प्रेजेंट टीचर। हेलो स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में दूसरा लेसन अर्थात दूसरा चैप्टर सेकीबाज मक्खी के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि सेकीबाज का अर्थ क्या होता है। सेकीबाज मीन्स होता क्या, इसके माने क्या होता है। देखिए, सेकीबाज का जो अर्थ होता है वह डिंग हांकने वाला, डिंग हांकने वाला या फिर बहुत बड़ी बड़ी बातें करने वाले व्यक्ति को सेकीबाज कहते हैं। एक तो हमारा शीर्षक हो गया, ये शीर्षक हो गया सेकीबाज मक्खी। एक मक्खी है जो बहुत ही बड़ी बड़ी बातें करती है, इसीलिए उस मक्खी को सेकीबाज मक्खी कहा गया है। ठीक, तो आइए हम इसको विस्तार से पढ़ते हैं। ठीक ना, देखते हैं। एक था जंगल, उस जंगल में एक शेर भोजन करके आराम कर रहा था। एक था जंगल और उस जंगल में एक शेर था, वह भोजन करने के उपरांत आराम कर रहा था अर्थात सो रहा था। ठीक ना, इतने में एक मक्खी उड़ती उड़ती वहां आ पहुंची। उसी समय एक मक्खी उड़ते हुए वहां पे आ पहुंचती है। शेर ने 2-3 दिनों से स्नान नहीं किया था। जो शेर सोया हुआ था, आराम कर रहा था, वह 2-3 दिनों से नहाया नहीं था। क्या किया नहीं था? हाँ, स्नान अर्थात नहाया नहीं था। इसीलिए मक्खी शेर के कान के एकदम पास भिन्न 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 करने लगी। 2-3 दिनों से नहाया नहीं था, मक्खी उस शेर के कान के पास जाती है और भिन्न भिन्न करके आवाज करने लगती है, शेर को परेशान करने लगती है। आवाजें देखेंगे, शेर को बहुत मुश्किल से नींद आई थी, क्योंकि शेर 2-3 दिन से नहाया नहीं था, उसको नींद ही नहीं आ रही थी। बड़ी मुश्किल से भी बहुत देर के बाद शेर को नींद आई थी। उसने पंजा उठाया, कौन पंजा उठाता है? शेर पंजा उठाता है, मक्खी उड़ गई। जैसे ही शेर पंजा को उठाता है, मक्खी तुरंत उड़ जाती है, लेकिन फिर से शेर के कान के पास भिन भिन शुरू हो गई। लेकिन कुछ ही देर के उपरांत वह तुरंत ही क्या करती है, पुनः शेर के कान के पास क्या करती है, भिन्न भिन्न करना शुरू कर देती है। ठीक ना, अब ध्यान देंगे। अब शेर को गुस्सा आया, इतने में शेर जब परेशान हो जाता है मक्खी के भिन्न भिन्न करने से, तो शेर गुस्सा अर्थात क्रोधित हो जाता है, उसको गुस्सा आता है। ठीक ना, वह दहाड़ा, जोर से चिल्लाया, दहाड़ा, अरे मक्खी, हे मक्खी, दूर हट, तुम हमसे दूर हट जाओ, वरना तुझे अभी जान से मार डालूंगा। ये बात कौन कहता है? शेर कहता है, कहता है मक्खी तुम हमसे दूर हट जाओ, नहीं तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। ये बात शेर कहता है। आगे देखेंगे, मक्खी ने धीरे से कहा, छी छी, जंगल के राजा के मुंह से ऐसी भाषा कहीं शोभा देती है। ये बात कौन बोलता है? मक्खी कहती है, कहती जंगल का जो राजा है, क्या उसके मुंह से ऐसी बात शोभा देती है। देखिए, वहां वो धीरे धीरे क्या किए, छीन छीन, और यहाँ पे देखिए चिन्ह लगा हुआ है, जो विस्मय बोधक चिन्ह है, जहां पे घृणा वाले शब्दों का प्रयोग किया जाता है,
वहीं पे विस्मयबोधक चिन्ह लगा दिया जाता है। शेर का गुस्सा बढ़ गया, अब क्या होता है, शेर का गुस्सा और बढ़ जाता है, वो और क्रोधित हो जाता है। उसने कहा, एक तो मुझे सोने नहीं देती, ऊपर से मेरे सामने जवाब देती है। शेर बोला कि एक तो हमें सोने नहीं दे रही है, परेशान कर रही है, और ऊपर से क्या कर रही है, वह जवाब दे रही है, वो मुझसे सवाल जवाब कर रही है। चुप हो जा वरना अभी मैं तुमको मार डालूंगा। ये बात शेर कहता है मक्खी से। मक्खी बोली, अब देखिए मक्खी क्या करती है, मक्खी पुनः बोलती है। मक्खी बोली, वरना क्या कर लोगे। देखिए प्रश्नवाचक का यहाँ पे चिन्ह लगा हुआ है। मक्खी कहती है, वरना तुम क्या कर लोगे, तुम हमारा क्या कर लोगे, मैं क्या तुमसे डर जाऊंगी। ये बात मक्खी बोलती है, तुम क्या कर लोगे, क्या मैं तुमसे डर जाऊंगी, तुम ये सोचते हो, मैं तो तुमसे भी लड़ सकती हूँ। मक्खी बोलती है कि हे शेर हे राजा, मैं तुमसे भी लड़ सकती हूँ, मैं तुमसे डरती नहीं हूँ, हिम्मत हो तो आ जाओ। वो क्या करती है, कहती कि आ जाओ, अगर तुम्हारे पास हिम्मत है साहस है तो आ जाओ मुझसे लड़ने के लिए, तुम मुझसे लड़ो, आ जाओ। आगे देखते हैं, देखिए यहाँ पे शेर है और मक्खी का चित्र भी दिया हुआ था। आगे हम देखेंगे, जैसे देखेंगे ठीक, जैसे शेर आग बबूला हो उठता है, जैसे ही मक्खी चैलेंज कर देती है शेर से कि अगर तुम्हारे पास हिम्मत है तो तुम मुझसे लड़ो, आओ मैं तुमसे लड़ जाऊंगी, मैं तनिक भी डरती नहीं हूँ। इतने में शेर आग बबूला हो जाता है। अब देखेंगे आग बबूला का क्या अर्थ होता है। आग बबूला होना अर्थात क्रोधित हो जाना, शेर क्रोध में आकर लाल हो जाता है, क्रोधित हो जाता है। उसने कान के पास पंजा मारा, जैसे ही शेर अपने कान के पास जहां पे मक्खी बैठी है पंजा मारा, मक्खी तो उड़ गई पर कान का जरा छिल गया। जैसे पंजा मारता है मक्खी उड़ जाती है, लेकिन उसका पंजा लगता कहाँ है, कान के पास लगता है और पंजा छिल जाता है। मक्खी उड़कर शेर की नाक पर बैठी, मक्खी क्या करती है, पुनः उड़कर शेर के नाक पर बैठती है, तो उसने मक्खी को फिर मारा। पुनः क्या करता है, पंजा फिर मारता है मक्खी को मारने के लिए, मक्खी पुनः उड़ जाती है। अब की बार शेर की नाक छिल जाती है, क्या छिली, नाक छिल गई। यहाँ पे देखेंगे दिख रहा है, नाक छिल जाती है। मक्खी कभी शेर के माथे पर बैठती, कभी गाल पर, तो कभी गर्दन पर। अब मक्खी क्या कर रही है, एक बार एक एक स्थानों पर, एक एक जगहों पर बैठ रही है, कभी माथे पर बैठ जाती है, कभी शेर के गाल पर बैठती है, कभी शेर के गर्दन पर बैठती है। और शेर क्या करता है, हर एक जगह मक्खी को मारने का प्रयास कर रहा है। शेर पंजा मारता जाता है और खुद को क्या करता है, घायल कर लेता है। जहां जहां पंजा मारता है वहां वहां अपने को ही घायल करता जा रहा है। मक्खी तो फट से क्या करती थी, उड़ जाती थी, जैसे ही शेर पंजा मारता उसी प्रकार तुरंत मक्खी उड़ जाती। आगे देखेंगे, अंत में शेर उग गया। आखिरी में शेर क्या करता है, उग जाता है और मक्खी को मार नहीं पाता है। मक्खी को क्या करता है, मार नहीं पाता है, थक जाता है। वह बोला, कौन बोला, शेर बोला, मक्खी बहन। देखिए यहाँ पे देखेंगे, मक्खी बहन अब मुझे छोड़ो। वह हार मान लेता है, मैं हारा तुम जीती, बस अब हमसे और नहीं हो पाएगा, यानी वो हार स्वीकार कर लेता है। कौन हाँ, शेर हार स्वीकार कर लेता है। मक्खी घमंड में चूर होकर उड़ती उड़ती आगे बढ़ती है।
मक्खी, अब देखिए मक्खी के अंदर अहंकार आ जाता है, घमंड आ जाता है, अभिमान हो जाता है उसको कि मैं शेर को हरा दी हूँ। किसको हरा दी हूँ? शेर को हरा दी हूँ। वो आगे क्या करती है? उड़ती उड़ती बढ़ती है। सामने हाथी मिला, सामने उसके एक हाथी आता है, हाथी मिलता है, मक्खी ने कहा, मक्खी क्या कहती है? अरे हाथी मुझे प्रणाम कर, हे हाथी तुम मुझे प्रणाम कर, मैंने जंगल के राजा शेर को हराया है। मक्खी बोलती है हाथी से कि मैं तो जंगल के राजा को हरा दी हूँ, तुम मुझे प्रणाम करो, इसीलिए जंगल में अब मेरा राज चलेगा, अब मैं जंगल की राजा हूँ, अब मेरा ही राज चलेगा। हाथी ने सोचा, हाथी मन ही मन सोचती है इस पागल मक्खी से बहस करने में समय कौन बर्बाद करेगा। वो मक्खी से बात विचार नहीं करना चाहती है, बहस नहीं करना चाहती है, और वह क्या करती है? आगे हाथी ने सूंड ऊपर उठाकर मक्खी को प्रणाम करती है, जैसे बात समझ लेती है कि मक्खी इस प्रकार से अभिमान की चूर हो चुकी है, इससे बहस करना बिल्कुल बेकार है। तो तुरंत क्या करती है हाथी, जो विशालकाय हाथी है, सूंड ऊपर करके, सूंड को ऊपर उठाकर मक्खी को प्रणाम किया और आगे बढ़ गया। ठीक ना, अब देखिए तो हाथी की बात थी, अब आगे देखते हैं क्या होता है। सामने से आ रही लोमड़ी ने यह सब देखा, सामने से एक लोमड़ी आ रही थी और यह सारी प्रक्रिया, इस घटना को लोमड़ी देख रही होती है। लोमड़ी मंद ही मंद मुस्कुराने लगी, देखिए मंद मंद भी सोता है धीरे धीरे, यहाँ पे लिखा है मंद मंद, अब देखिए मंद मंद का अर्थ होता है अपने मन में ही धीरे धीरे क्या कर रही है, लोमड़ी मुस्कुरा रही है। इतने में मक्खी ने लोमड़ी से कहा, इतने में मक्खी क्या करती है लोमड़ी से कहती है, अरे ओ लोमड़ी चल मुझे प्रणाम कर, मैंने जंगल के राजा शेर और विशालकाय हाथी, जो बहुत बड़ी होती है, विशालकाय हाथी को भी हरा दिया है। ए लोमड़ी तुम हमारे प्रणाम करो, मैं शेर को भी हरा दी और विशालकाय हाथी को भी क्या किए हैं, हरा दिए हैं। आगे देखते हैं, लोमड़ी ने उसे प्रणाम किया, लोमड़ी क्या करती है मक्खी को प्रणाम करती है, फिर धीरे से बोली, कौन बोली? लोमड़ी बोलती है, जैसे ही मक्खी को प्रणाम करती है, प्रणाम करने के बाद वह सहमे शब्द में धीरे से बोली, धन्य हो मक्खी, धन्य हो मक्खी रानी, हे रानी तुम बहुत भाग्यशाली हो, हे मक्खी रानी आप तो बहुत ही भाग्यशाली हो, आप धन्य हो, धन्य है आपका जीवन और धन्य है आपके माता पिता। लेकिन मक्खी कहती, लेकिन मक्खी रानी उधर वह मकड़ी दिखाई दे रही है ना, ये बात कहते हुए कि धन्य है आप और धन्य है आपकी माता पिता, लेकिन उधर ध्यान दीजिए, उधर मकड़ी जो दिखाई दे रही है ना वह आपको गाली दे रही, वह आपको गाली दे रही थी, उसकी जरा खबर लो ना। कहते जो मकड़ी अपने जाले में दिखाई दे रही है, हे मक्खी रानी वह आपको गाली दे रही थी, जरा उसकी भी खबर लीजिए। यह बात लोमड़ी बड़ी चतुराई के साथ किसको बोलती है? मक्खी को बोल देती है। यह सुनकर मक्खी गुस्से से लाल हो उठती है। मक्खी जैसे सुनती है यह बात कि वो हमें गाली दे रही है, वह आग बबूला हो जाती है, गुस्से में लाल हो जाती है। मक्खी बोली, उस मकड़ी को तो मैं चुटकी बजाते ही खत्म कर दूंगी। बोलती है मकड़ी, सॉरी मक्खी बोलती है, उस मकड़ी को मैं चुटकी बजाते ही क्या करूंगी,
खत्म कर दूंगी, मसल दूंगी, उसको मार दूंगी, ये बात मक्खी बोलती है। यह कहते हुए मक्खी मकड़ी की तरफ झपटी, ये बात कहते हुए ही मक्खी क्या करती है, मकड़ी की तरफ झपट उठती है, मकड़ी के पास पहुंच जाती है, मकड़ी के जाले में फंस गई। जैसे ही लोमड़ी मकड़ी को पकड़ने के लिए झपटती, उसके पास झपटी, मकड़ी के बनाए हुए जाले में वह क्या करती है, फंस जाती है। मक्खी जाले से छूटने की जो जो कोशिश करती है, मक्खी जो मकड़ी का झाला है बना हुआ बुना गया उसके द्वारा झाला है, उससे जब जब वो छूटने की प्रयास कर रही है, छूटना चाहती है, वो त्यों करते हो और ज्यादा उसमें फंसते हुए चली जाती है। मक्खी जाले से छूटने की जो जो कोशिश करती है, देखिए पहले बोल दिया, वो त्यों त्यों अधिक फंस जाती है, अंत में वो क्या करती है, थक जाती है। अंत में मक्खी थक जाती है, अथक प्रयास करने के उपरांत वह थक जाती है, हार गई। यह देखकर लोमड़ी मंद ही मंद पुनः मुस्कुराती हुई बोली, वहां से चलती बनी। लोमड़ी देखकर क्या करती है, मंद मंद मुस्कुराती हुई वहां से चली जाती है, चली आगे चली जाती है। अर्थात यह जो शीर्षक था सेठीबाज मकड़ी, यह योगेश जोशी के द्वारा लिखा गया गद्य खंड था। इसको हम अभी पढ़े समझे, अब इसके बाद हम लोग सेठीबाज मकड़ी का प्रश्न और उत्तर करेंगे।